यार मैंने कॉमेडी नाइट पे था तो मेरी ऑडियंस सारे गोरे लोग थे तो उनमें से एक गोरी बंदी ना आयरलैंड से थी वो मेरे पास मेरे सेट के बाद आई और कहा कि वेर आर यू फ्रॉम मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कहती ओ आई नो पाकिस्तान इनशाला मैंने कहा yes that's a part of our cultural language yeah you know kathy oh i always wondered what does inshallah mean said, how do you know this word kathy i've seen in the films a few of my pakistani friends say inshallah a lot so i've always wondered what does it really mean said, inshallah literally means god willing in english but सिंस दिस इज एन अराबिक वर्ड सम्रांसलेटेड इन टू उर्दू विच इज अशनल एंड उर्दू इज अफुलज इनशाला इन उर्दू मीन हाँ हाँ ज्यादा बकवास न कर काम पे ध्यान दे सुन लिये तेरी बात छुट्टी मिल जाएगी तुझे और जी बाजी आज मेरे दूध में से पानी निकलाया था आप चाहे जितनी मर्जी कम्प्लेन करें कल भी मैं अपने दूध में इतना ही पानी डालूंगा लेकिन आपको पता नहीं लगने दूंगा और हाँ हाँ चलता नारान कागान का प्लान का बनाते हैं मैं ट्रिप वाले दिन सुबह सुबह सबके सामने झूठ बोल के ये कहूंगा की मेरे अबू ने मुझे इजाजत नहीं दी ताकि तुम लोग चले जाओ खुद ही और मैं अपनी बंदी के साथ डेट पे चला जाऊं चुप करके और इस जॉब के अंदर हम सैलरी बताते तो तीस हजार रूपए है तो आप शुरू कर लो महीने के एंड पे आपको बीस हजार देके टा देंगे और मैं आपको कह तो यही रहा हूँ कि दस दिन बाद मैं आपका उधार वापस कर दूंगा लेकिन असल में मैं आपको बताए बगैर छः महीने आपको जलील करवाऊंगा और फिर भी आपके आधे पैसे वापिस करूंगा उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा और मेरे पाकिस्तानियों मैं नब्बे दिन में पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा कर दूंगा और मेरे पाकिस्तानियों हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और दोबारा आईएमएफ के आगे कभी हाथ नहीं फिलाएंगे और मैं इस वाक्य की पूरी मजम्मत करता हूँ और मेरा आपसे वादा है कि मैं इन मासूम लोगों के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाऊंगा और मुझे मौका मिला तुम्हें तो जरदारी को सड़कों पर रखी सीटा तो मेरा नाम बदल देना और हाँ मैं तेरे मुँह पे तो यही कहूँगा मैं तेरी शादी पे जरूर आऊंगा लेकिन तेरी होने वाली बीवी ना मेरी एक्स है दिल दिखाया उसने मेरा तेरी शादी वाले दिन घर पे बैठ के बाद दुआ दूंगा कि तेरी शादी ना चले और हाँ हाँ बेटा मैं तो तुम्हारा चाचू खून रिश्तेदार हूँ तुम्हारा मेरे इज्जत और एहतराम में आके इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो लिखा तो इसमें यही हुआ है कि कारोबार में इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड करेंगे लेकिन जिस दिन प्रॉफिट हुआ मैं हंड्रेड परसेंट प्रॉफिट लेके दुबई भाग जाऊंगा और हो जाऊंगा और हाँ हाँ बेटा मेरे लिए सारी मेरी औलाद बराबर है अभी तो मैं आपको यह कह रहा हूँ अपने मरने के बाद जायदाद में इक्वल हिस्सा दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ की मेरा बेटा मेरी जायदाद का अस्सी मुल्क अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाए और आप तो पराया धन धनो ना बेटा। आपकी असल फैमिली तो आपका ससुराल होगी आप उनसे पैसे ले लेना और हाँ जी पायन मैं जबान दे रहे जितने भी दुआ ने सारे मिठे ने लाल ने कटन की कोई लोड नहीं है घर जाके तुम देखोगे तो बिल्कुल फिका निकलेगा तो सफेद निकलेगा एटसेक्ट्रा एट सेक्ट्रा एट तो वो बंदी मुझे कहती है 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 कि दिस साउंड वेरी लिटरल मीनिंग मीनिंग मैंने कहा देखो हर हर वर्ड का हर दिहाई के बाद चेंज हो जाता है, वो इवॉल्व करती लैंग्वेज इंग्लिश भी हिंदी भी उर्दू भी बेशक इनशाला का मतलब पहले पहले ये होता था कि अल्लाह ने चाहा तो लेकिन अब इसको हम टरखाने के लिए यूज करते हैं खास तौर पे पाकिस्तानी में बहुत एडवांस लेवल की स्किलफुल हो चुकी है अगर इनशाला ना हो तो हमारे तो कारोबार ही ना चले हर वक्त सच थोड़ी बोलना होता है थोड़ा बहुत तो थो रिलीजन को यूज करके अपना काम निकलवाना होता है ना मतलब हमारा तो ये कल्चर है कहती अच्छा इसका मतलब है कि थिंग्स आर नॉट एज दिन ऑन कहा मेगा जी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताना था कि बाहर के मुल्क में आके ना किसी गोरे से अपनी तारीफ सुन के बहुत शौके ना हो जाना कभी कभी उनको असल चीज में पता होती उनको बताया करो अगर पाकिस्तान से बाहर आके भी गोरों के सुपरफिशियल से परस्पेक्टिव और ऑब्जर्वेशन की बिना पे अपनी तारीफे सुन सुन के अपने फेक बबल के अंदर अपनी ईगो को बूस्ट करने का शौक है ना तो फिर इधर न आना यार